गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर ब्लॉग। सो आज का जो ब्लॉग है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज जो है वो तीज है और बहुत से लोगों को पता होगा कि तीज क्या होता है। तो जिन्हें नहीं पता है उन्हें आज पता चल जाएगा इस ब्लॉग में कि तीज क्या होता है और उसमें क्या होता है। मैंने आपसे एक बार कहा था कि मेरी और भी सिस्टर्स हैं जो यहाँ पर नहीं है, और मैं आपको उनसे जब उनके पास जाऊँगी तो मिलवाऊँगी, बट मेरे जाने से पहले वो यहाँ आ गए, तो मैं उन लोग से भी आपको मिलवाती हूँ। अभी सबकी गुड मॉर्निंग हुई तो सब अभी अपने अपने काम में लगे हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी सबसे बड़ी बहन से मिलाती हूँ। ये है, ये देखो, ये प्रिया दी जो सुबह से अपने ऑफिस स्टार्ट करके बैठ गई है, और वो रही लड्डू। लड्डू हाय बोल। ये इस घर की बकलोल है, बहुत ही ज़्यादा बकवास मारती रहती है। तो फिर फटाफट से रेडी हो जाते हैं, और मतलब फ्रेश होके बढ़िया रेडी वेडी होके फिर हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। जब तक लिए बाय। सो या अब हम एकदम नहा वहा के बढ़िया से रेडी हो गए हैं, और अभी मैं दीदी और बाकी लोगों से भी आपको मिलवाऊंगी। वो लोग भी रेडी हो रहे हैं, अभी 12 बजने वाला है। तो जैसे ही सब लोग रेडी हो जाएंगे तो फिर मैं आपको उन लोगों से मिलवाऊंगी, और मैं तो रेडी हो ही गई हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं। हाय गाइस, तो अभी सब लोग रेडी होने में लगे हैं, जैसे कि देख रहे हैं मुझे साउंड का आपको आवाज़ आ ही रही होगी म्यूज़िक वगैरह की। तो अभी तो मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं जा रही हूँ बाहर। तो अंकित आ रहा है और अनुप आ रहा है जो मतलब मेरे को लेने के लिए, तो हम लोग जा रहे हैं, शायद दीदी भी जाए हमारे साथ। तो फिर चलिए देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, तो वो मैं आपको रास्ते में बताऊँगी। तो चलिए चलते हैं। सो ये लोग आ गए हैं और अब हम जाने वाले हैं। तो ये रहा अनुप, अनु देख, और ये रहा अंकित। तो अब हम लोग जा रहे हैं और दीदी भी आ रही है, तो वो भी आ जाएगी। तो फिर देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। दीदी भी आ गई है और अब चलिए चलते हैं। और मैं अपना ऑफिस भी साथ लेकर जा रही हूँ। इसका ऑफिस के साथ ही चलता रहता है परमानेंट। हाँ, तू बस अच्छा लगता है, बाकी सब बुरे लगते हैं। खुद की तारीफ करने का बोल दो। ये इनका बेबी बाबा भाई, इसने इसकी सीट छीन ली है, अनुप ने सीट छीन ली है। तो ये अभी थोड़ा सा क्या, सुन तो हक तो मेरा ही है। हाँ सही है, सही है। अनुप गया है उसके घर सामान उठाने, और हम यहाँ गर्मी से बेहाल हुए जा रहे हैं। इतने खतरनाक पसीना आ रहा है, और इसका एसी को भी आज ही खराब होना था। खराब नहीं हुआ है ना, नई कार है मेरी। कार इसकी बीवी है, वो अपनी कार को ना जरा सा भी मतलब क्या कुछ क्या बोलते हैं यार इसको, बहुत पॉजिटिव है अपनी कार को लेके। यस, अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं थोड़ा सा फोटो वोटो शूट करने के लिए। तो हम लोग आए हैं विदिशा, अब हम जा रहे हैं मार्केट की ओर। तो पता नहीं वहाँ से क्या लेंगे, पर हम पे पैसे नहीं है खाने के लिए। कटोरा लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो पूरे ब्लॉग को ऐसे ही देखते रहना। तो फिर मिलते हैं मार्केट में। हाँ, बहुत तेज भूख लग रही थी, तो अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट में आए हैं। तो अभी यहाँ से कुछ खाएंगे और फिर हम जाएंगे अपने घर पर बस। तो ये रहे सब लोग। ये और इसका ऑफिस, तो फटाफट खाते हैं और फिर मिलते हैं। फाइनली अब मेरी तो पेट पूजा हो गई है, पर इसका अभी भी चल रहा है। ये बस खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, बस कर बस। ये बेचारा तो खा पी के बैठा हुआ है, और ये बहन जी बेचारी काम में इतनी व्यस्त है कि खाने पीने का कोई होश नहीं। फाइनली अब हम घर आ चुके हैं, और इतनी बेकार हालत हो चुकी है ना कि मतलब क्या ही बताएं। ये सब पड़े हैं आराम से, मेरी तो बहुत बुरी हालत खराब। तो सेल भी अभी आने वाली है, तो थोड़ी देर में आ जाएगी, उसकी बस भी बस पहुँचने ही वाली है यहाँ पर। तो जैसे ही वो आएगी तो फिर उससे भी आपको मिलवाऊंगी, और फिर देखते हैं रात का हमारा आउटफिट क्या रहता है। बढ़िया, सब प्रिटी प्रिटी बनेंगे आज तो, बड़े ही सुंदर सुंदर से। तो फिर शाम में मिलते हैं आपसे, और क्योंकि अभी मुझे पूजा की भी तैयारियां करवानी है, तो सब करते हैं फिर मिलते हैं। ओके, तो जो है पूजा स्टार्ट हो चुकी है, अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, मैं भी अभी रेडी होने जा रही हूँ। और जो हमारी पूजा है वो होने लगी है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं वो भी बन चुका हुआ है, और यहाँ पे भी कथा पढ़ी जा रही है।
तो जब तक इनकी यहाँ पे पूजा चल रही है मैं जाकर फटाफट से रेडी हो जाती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। और सभी प्रिटी प्रिटी वुमन से और गर्ल से और दीदी से और सबसे आपको मिलवाती हूँ थोड़ी सी ही देर में। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। ओके सो सभी लोग रेडी हो चुके हैं और ये रहा मेरा आउटफिट। मैंने ज़्यादा कुछ हैवी नहीं किया, बस सिंपल सा पहना है और ये मैंने ना मम्मा की चूड़ियाँ पहन ली है, ऐसी मेरा मन होता तो। और सभी लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मैं अभी सबसे आपको मिलवाती हूँ। सभी इतने प्रिटी लग रहे हैं ना, इतने सुंदर लग रहे हैं ना कि मतलब कुछ ही मत। तो चलिए सबसे मिलते हैं, तो चलते हैं और उनका मस्ती देखते हैं। तीसरी आरती हमारी हो चुकी है, अभी भी दो आरती बाकी हैं। तो फिर चलिए जब तक, अभी तो पूरी रात जगनी है, तो फिर मस्ती करते हैं, ऐसी बने रहिए हमारे साथ। और बस इसको जस्ट फॉर फन की तरह लें और इंजॉय करें, और मैं भी इंजॉय कर रही हूँ तो आप भी इंजॉय करें। और ये ब्लॉग आएगा तो उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलना। फाइनली अब जो है हमारी लास्ट पूजा हो रही है और इसके बाद हमारे ब्लॉग का एंड हो जाएगा, मतलब फुलेरा ठंडा हो जाएगा और फिर जो है ये ब्लॉग ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, इसके बिल्कुल भी मत करना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, मतलब अभी इसका एक शॉर्ट में डाल दूँगी, वो आप देख लेना। तो फिर अगला जो भी ब्लॉग बनाऊँगी पता नहीं क्या होगा, उसमें कुछ अच्छा ही होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो चलिए बाय। पूजाएं ख़त्म हो गई हैं सबकी, तो अब एक इधर रिवाज होता है कि फुलेरा सब ठंडा करने जाते हैं। हाँ जो भी है, मतलब फुलेरा सब ठंडा करने जाते हैं, देन अब सब ठंडा करने जा रहे हैं और हम लोग घर जा रहे हैं ठंडा करके। अब हम लोग बहुत थक चुके हैं क्योंकि हम लोग रात भर से जाग रहे हैं, अब हम लोगों को सोना है। इनको तो भोपाल जाना है, तो ये जाएंगी भोपाल और हम घर जाके सोएंगे। तो अब हम जा रहे हैं, आप इनको ज्वाइन करिए। आई एम गोइंग बाय।